तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्न बैंक 2021-22 विषय अंग्रेजी कक्षा 10वीं की जो है इसका पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो आपके ये जो प्रश्न बैंक दिया हुआ है इसमें आपको सभी का सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है इसमें जो सॉल्यूशन है, तो हम आपको इसमें सभी प्रकार के सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और नहीं भाई पूरा ही देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अब आपकी परीक्षा हो भाई होना तय है बिल्कुल, ठीक है ना। भले स्कूल लगे नहीं लगे, आपको क्या करना है, तारे जो अपनी तैयारी है उसको जारी रखना है। चलिए आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन दिखाते हैं और वो भी ए टू जेड रियल है भाई। तो हम जस्ट सबसे पहले जब हम ओपन करते हैं प्रश्न बैंक को, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक उत्तर सहित ऐसा लिखा रहता है। यहाँ पर देखते हो जीपीएच की हाइडिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हो क्वेश्चन बैंक इंग्लिश है ना, टेंथ। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न पत्र ब्लू प्रिंट, यहाँ पर आपको ब्लू प्रिंट देखना है ना, ब्लू प्रिंट के अनुसार आपको तैयारी करना। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू प्रिंट किस प्रकार का है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से देख सकते हो। ओके, यहाँ पर इसको शब्द सीमा भी आपको अच्छे से याद रखना है, निर्देश किस प्रकार से, वरना आपको पूरा पूरे नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर है कम किए गए पाठ्यक्रम इस प्रकार विषय वस्तु है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन ए रीडिंग है ना, इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार से मिला है, प्रश्न भी इसमें है और उत्तर भी इसमें है। ये देख सकते हो आप प्रश्न है, इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है, मैं इसका आंसर आपको अभी बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, ये पूरा नोट कर लेना है। अब देखिए इसका आंसर पहले में आ जाएगा बी, दूसरे में आ जाएगा बी, तीसरे में जाएगा बी, चौथे में जाएगा ए, पांचवे में जाएगा ए, ठीक है, इस प्रकार से आपको लगा लेना है। देखिए पेजेस 2 यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है ना। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो इसको आपको हाई कर लेना है, ठीक है ना, सेटिंग्स में जाके। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार का है, ठीक है ना, इसमें देख सकते हो पूरा पूरा क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, मैं आपको इसके सभी के आंसर बता दूंगा, देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए सभी के आंसर बता देता हूं मैं आपको, पहले में आ जाएगा आपका ए, ठीक है ना, क्या जाएगा पहले में आ जाएगा आपका ए। देखिए थोड़ा सा और ब्राइटनेस कम करता हूँ मैं, अब अच्छा दिखेगा। देखिए पहले में आ जाएगा ए, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में बी, पांचवे में ए, ठीक है। अब पेजेस 3 देख सकते हो आप, है ना, पेजेस 3। ओके चलिए फटाफट से हम पलटते पेज को, ये देख सकते हो, ठीक है। अब पहले में ए, दूसरे में सी, तीसरे में सी, चौथे में सी, पांचवे में डी, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखेगा भाई। वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना, और कोई 15-20 रुपए की गाइड भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे का पूरा सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, और समझाया भी जाएगा। बाद में एक वीडियो आएगी जो समझाया जाएगा अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो। देखिए पहले में जाएगा बी, दूसरे में जाएगा बी डी, है ना, तीसरे में जाएगा सी, चौथे में जाएगा बी, और पांचवे में जाएगा बी, ठीक है। पेसेज 5 में देख सकते हैं आप यहाँ पर, पेसेज 5। ओके यहाँ पर देख सकते हो पूरे पूरे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। अब इनके आंसर देखिए, फर्स्ट वाले में ए, सेकेंड में ए, थर्ड में सी, फोर्थ में बी, और 5 में बी। चलिए पेसेज एक और है 5 का, है ना, 5 वाला क्वेश्चन, मतलब पेसेज जो है वो एक और है, मतलब बी वाला सेक्शन हो गए, है ना, बी होगा इसका ही। देख सकते हो पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, और नोट करना है। देखिए इसका आंसर देखिए, फर्स्ट वाले में बी, सेकंड में डी, थर्ड में डी, फोर्थ में सी, 5 में ए। ओके अब यहाँ पर देखिए पेसेज 7, यहाँ पर पेसेज 5 नहीं 6 है ना, शायद देख सकते हो आप, थोड़ी सी मिस्ड हो गए मैं ना, थोड़े से मिट गए यहाँ पर, परंतु ये 6 है ना, और यहाँ पर पेसेज 7 देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, पेसेज 7। इस प्रकार से आपकी प्रश्न बैंक में भी दिया गया है, क्वेश्चन भी आपकी प्रश्न बैंक में दिया गया है, आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले में बी, सेकेंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में सी, और 5 में सी। अब देखिए पेसेज 8 यहाँ पर देख सकते हो आप, इस प्रकार से है, ठीक है, पेसेज 8, इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये रहे। अब इसका आंसर इस प्रकार है, यहाँ आंसर देखिए, आंसर पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में बी, चौथे में ए, पांचवे में डी। पेसेज 9 देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, ये अब इनके आंसर देख सकते हो आप यहाँ पर, पहले में डी, दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में ए, पांचवे में डी। चलिए अब यहाँ पर आता है सेक्शन बी राइटिंग का, है ना, राइटिंग का देख सकते हो आप किस प्रकार से नंबर मिलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आएगा ये, और 4×1 अर्थात 4 मार्क्स का रहेगा ये, है ना, एक क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का आपको रहेगा, नोट मेकिंग रहेगा, है ना, नोट मेकिंग का। जैसे इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा पेसेज 1, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, टाइटल लिखना पड़ेगा, है ना, देख सकते हो आप सबसे पहले तो
पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ये जरूर नहीं टाइटल यही रहे, टाइटल इसका कुछ भी हो सकता है। टाइटल आपको जो है शुरू वाली, जैसे कि ये लाइन है ना, जैसे कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, तो यहाँ पर ये का ये आपको क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, देखिए यही आपका क्या बन गया, टाइटल बन गया। अब इसके बाद नोट्स बनाना, आपको नोट्स इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, नोट्स इस प्रकार से बन जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पर किस प्रकार से बनाया है। ठीक है, अच्छे से समझ समझ करके मैंने नोट्स मेकिंग समरी बनाना सिखाया, फिर से सिखा दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दूसरे का रहेगा, देखिए दूसरा जो पेसेज है इसका टाइटल और नोट्स इस प्रकार रहेगा। तीसरा पेसेज देख लीजिए, तीसरा पेसेज यहाँ पर है इस प्रकार से पूरा का पूरा। ठीक है ना, अब इसका हम नोट और टाइटल देखते हैं ना, नोट्स और टाइटल, नोट्स देख सकते हो, टाइटल देख सकते हो। ठीक है, अब पेसेज फोर देख सकते हो आप, पेसेज फोर का टाइटल वो ये है और नोट्स इस प्रकार से। ठीक है ना, आंसर है यहाँ पर चॉइस। अब ये जो है आपके शायद प्रीबोर्ड में भी आया था ना, मुझे लगता है जाता। अब देखिए यहाँ पर पेसेज फाइव है, यहाँ पर देख सकते हो आप। अब इसका यहाँ पर देखिए टाइटल है ये, नोट्स इस प्रकार है। देखिए आपने अभी तक जो ब्लूप्रिंट से तैयारी की है उसमें आपका हो सकता है प्रीबोर्ड में नहीं आया हो कुछ, है ना, कुछ छूट भी जा सकता है, अधिक भी आ सकता है ना। जैसे किसी अध्याय से चार का ही पूछा गया है साइंस में, तो उससे मतलब छः अंक का आ गया होगा, परंतु अब वार्षिक में ऐसा नहीं होगा। वार्षिक में आपको पूरी पूरी तैयारी ब्लूप्रिंट से ही करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मल लेटर्स वन है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन है इस प्रकार से, और यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, ये क्या है आपका लेटर्स है, लेटर्स इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है ना, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट साइट ओपन करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप फॉर्मल लेटर्स इस प्रकार से लिखना आपको। ठीक है ना, मैं आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, अभी तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। देख सकते हो सैंपल वाला, है ना, ये देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर टू मान लीजिए आपको इस प्रकार दिया है, यू आर अंजलि वर्मा स्टडी इज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी श्योर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फ्री कंसेशन, यानी कि आपको फीस कंसेशन की आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखना है, टू फिर द प्रिंसिपल, फिर सब्जेक्ट लिखना है इस रिस्पेक्टेड सर या मैडम, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से लाइन आपको उतार देनी है। हो सकता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है ना, मैं आपके लिए एक और नई सेपरेट वीडियो बना दूंगा इनके लिए। ठीक है ना, अभी इस प्रकार से देख सकते हो आप, है ना, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि भाई ये आगे से ऐसी प्रिंट हुई है ना। अब देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना, पूरे ये देख सकते हो आप, ये लेटर्स है। ठीक है ना, या तो आप लेटर याद कर लीजिए या आप एप्लीकेशन याद कर लीजिए, दोनों में से एक चीज़ ही आएगी, दोनों चीज़ नहीं आएंगी। अथवा में लेटर आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका एप्लीकेशन, है ना, ऊपर का आएगा आपका एप्लीकेशन आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक क्वेश्चन नंबर फाइव है ना, इस ये फाइव मार्क्स का रहेगा, ना कि पाँच गुणा एक मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा पाँच नंबर का, आपको पाँच मार्क्स मिल जाएंगे। इजी राइटिंग रहेगी आपकी, देखिए राइट एन एप्लीकेशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, आपको एक एप्लीकेशन लिखने है और वो मैं बता दूं किसकी याद करनी है, आपको वंडर ऑफ साइंस की ही याद करनी है। मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, ठीक है ना, इतनी शानदार ट्रिक है कि मतलब फटाक से याद हो जाएगा आपको ना, ये आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, परंतु इतनी धमाकेदार ट्रिक है कि मेरी गारंटी उसको पढ़ने के बाद, जो जिसने आज तक नहीं पढ़ी होगा ना स्प्लिंग, मतलब ये जो वंडर ऑफ साइंस का निबंध, उसको मतलब है ना आधे घंटे में ऐसा याद होगा, कभी भूलेगा नहीं, सच में बता रहा हूँ। ठीक है ना, वरना आप चाहे तो ये वाली याद कर लीजिए, जो उनसे याद कर लीजिए, आपकी मर्जी चाहे वो याद कर लीजिए, परंतु मैंने बता दिया आपको मोस्ट की यही आनी है ना, मेरी गारंटी है कि वही आएगी, है ना, वंडर ऑफ साइंस की प्रीबोर्ड में नहीं आएगी, आई उससे मतलब नहीं है, परंतु वार्षिक में जरूर आएगी। ठीक है ना, अ ग्रेट लीडर ये भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, वैसे आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप चाहे तो सारी याद कर सकते हो, आप चाहे तो एक ही याद कर सकते हो, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ये भी देख सकते हो आप, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है ना, इसको भी, इसको तो जरूर पढ़ेंगे भाई, इसको तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसको, है ना, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, ये बता देता हूँ आपको अच्छे से। चलिए अभी कोविड 19 का मोस्ट है भाई, ये भी जरूर आएगा। ठीक है ना, कोविड 19 का मुझे जहाँ तक लगता है ये जरूर आएगा। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन ये भी आ सकता है, देख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, ओके, अच्छे से लिखिएगा आराम से,
अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक आपका 6 आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 3×1 3×1 मार्क्स करेगा ये, मतलब कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपको, है ना, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप ये लिखोगे तो। ये आएगा आपका क्या आएगा, पिक्चर गाइडेंस कंपोजिशन, है ना, जो कि आना ही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप चाहे तो ये वाला देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। अब आपको मैं इसके एक ट्रिक बता देता हूँ, इसकी ट्रिक है भाई, अगर आप ग्रामर सीख गए ना तो ये भी सीख गए। बताओ कैसे, आपको यहाँ पर देखिए जैसे दिख रहा है, वॉश योर हैंड्स यानी कि हाथ धोना, यूज शॉप यानी कि शॉप करने का, हाथ धोने का यूज करना, है ना, अवॉइड क्रोप्स, है ना, अवॉइड करना क्रोप्स को, और उसके बाद वीक मास्क लगाना, है ना, अवॉइड हैंड शेयर नहीं करना, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सोशल दूरी का पालन करना, सामाजिक दूरी का पालन करना, है ना। अब इसका आंसर देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से लिखना आपको। आप चाहे तो इतना बड़ा न लिख करके थोड़ा सा छोटा ही लिख दे, ठीक है ना, परंतु आपको इन छः पॉइंटों को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए पहला दे रखा आपको वॉश योर हैंड्स, तो आपको डालना पड़ेगा वॉश योर हैंड्स, क्या डालना पड़ेगा वॉश योर हैंड्स, और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा इससे क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार का भी आप आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अच्छे से फोकस कर दूंगा मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये शायद इसमें भी आया है आपके, किस में, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में आया है ना, वो थोड़ा सा अलग कर दिया, यहाँ पर एक थोड़ी सी लड़की टाइप बना दिया है, उसका हाथ में पेंसिल दे दिया था, तो आप क्या है ना, थोड़ा सा मतलब घबरा गए, नर्वस हो गए कि यार क्या पता कहाँ से आ गए, प्रश्न बैंक में से आया ही नहीं, फंसा नहीं है ना, मतलब तो प्रश्न बैंक में से आया और आपको इस प्रकार से लिखना था, है ना, देख सकते हो। अब यहाँ पर आ सकता है इस प्रकार का, ठीक है ना, इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, देख सकते हो आप, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, देख सकते हो। अब इस प्रकार से भी आ सकता है आपको, ये आया था आपका अर्धवार्षिक में शायद, है ना, अर्धवार्षिक में आया था, है ना, इट वॉज अ हॉट समर डे, है ना, इस प्रकार से आप पूरा का पूरा देख सकते हो, और इसमें आपको इस प्रकार से लिखना था। इन सभी को तो याद कर ही लेना भाई, जो जो भी आपको मैंने बताया है या आपकी जो प्रश्न बैंक में है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप, यहाँ पर 5 मार्क्स का रहेगा ये, 1×5 अर्थात आपके जो है ना 5 रिक्त स्थान आएंगे या कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, रिक्त स्थान ही आएंगे, अगर आपको उनको कर दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और रिक्त स्थान भी ऐसे जो आपको याद नहीं रहेंगे फिर भी आप तुक्का लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देंगे 3 ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर ये खाली स्थान है ना, बॉय और इसके बीच में क्या आना चाहिए, तो बीच आएगा क्या, व्यू आएगा या वेयर आएगा, है ना, तो इसमें से आप देख सकते, सबसे पहले तो इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इन सभी के आंसर आपको दे दूंगा लास्ट में, देखिए, है ना, देखिए सबसे पहले आपको इन सभी को अच्छे से नोट कर लेना है, वीडियो को रोक करके, क्योंकि भाई मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं बता सकता कि आपको सबको पढ़ के सुनाओ समझाओ। अब यहाँ पर आप देखिए आंसर लिखा है, पहले में वो आ जाएगा, दूसरे में एन आ जाएगा, तीसरे में एनी आ जाएगा, चौथे में ब्राइटन आ जाएगा, पांचवें में मी आ जाएगा, छठे में आउट आ जाएगा, सातवें में कोल्ड आ जाएगा, आठवें में एनी, नौवें में मैनी, दसवें में मच, ग्यारहवें में मूव्स, और बारहवें में कम्स, और तेरहवें में द, चौदहवें में द, पंद्रहवें में एन, सोलह में सिंस, 17 में फोर, 18 में ऑन, है ना, 19 में इन, 20 में ऑफ, 21 में ऑफ, 22 में बिकॉज, 23 में इफ, 24 में टू, 25 में बिफोर, है ना, 26 में टेन, इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, और भी आंसर यहाँ पर देखिए 27 में क्या जाएगा, अराइव्ड, इस प्रकार से आप पूरा का पूरा देख सकते हो, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, डू एज डायरेक्टेड आएंगे, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर दे दिया, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि इसको आपको नेगेटिव मार्क यानी नकारात्मक वाक्य में आपको इसको चेंज करना है, तो क्या जाएगा, ही का ही, डिड का डिड, है ना, और डिड का डिड, और यहाँ पर नोट लगा देना, नोट का मतलब हो जाएगा नहीं, नहीं जहाँ भी लगता है वो वाक्य नकारात्मक हो जाता है, है ना, और हीज नहीं लगेगा इसमें, है ना, सबसे पहले ये जो लिखा ना हमने नोट, नोट के साथ डू लगेगा, डू लगा दिया हमने, उसके बाद इसका ही वर्क का वर्क वेल का वेल में नेगेटिव में चेंज कर जो करने का रहता है वो सबसे सिंपल लगता है मुझे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, द बॉय इज माई कजिन,
है ना, द बॉय हैज, इस प्रकार से देख सकते हो। सब सारे को नहीं समझा होगा भाई, एक समझा दिया मैंने, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो सारे के सारे आंसर है और बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि ये सारे के सारे आंसर सही हैं, ठीक है ना। अगर आप इस पूरी प्रश्न बैंक को याद कर लेते हो तो आप जो है 80 में से 75 मान के चलिए आप पूरे का पूरा ले आओगे, ठीक है ना। 80 में से 75 जरूर ले आओगे, और भाई जो दिमागदार रहेगा तो 80 में से 80 भी ले आएगा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ना इधर का उधर भी लिख सकते हैं हम, है ना। हमें अपने देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, 6 मार्क का रहेगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन 6 रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अ लेटर टू गॉड सबसे पहले इस पार्ट से देखना है, ठीक है ना। इस पार्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख सकते हो आप यहाँ पर अच्छे से, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बताया है, इस प्रकार से आपको आंसर बताता हूँ रहूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो डस्ट ऑफ स्नो 14 से है इसमें, है ना। इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, सबसे पहले आपको इनको नोट कर लेना है। अब देखिए फायर है ना, फायर एंड आईसीई पोएम फर्स्ट है, इससे आप देख सकते हो 19वां, फिर 23वां, फिर 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, ठीक है ना, 33वां, 34वां, 35वां, 36वां, है ना, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, है ना, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 नहीं आया अभी, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब इनके आंसर रुके अभी और आ गए हैं, ठीक है ना, 101 है ना। इस प्रकार से देख सकते हो आप कितने हैं, है ना। सबसे पहले देख सकते हो, चलिए आप पीछे की ओर करते हैं इसको फिर से, चलिए देख सकते हो आप यहाँ पर इन सभी के आंसर आपको मिलेंगे भाई, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आप ये मत सोच लेना कि भाई सर तो जो क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहे आंसर नहीं बता रहे, ठीक है। आप सबसे पहले इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो 125 आता परंतु यहाँ पर 25 हो गया, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप अच्छे से, आंसर भी आने वाले अब, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले में बी वाला, दूसरे में ए वाला, इसी प्रकार से सारे के आपको लिख लेने हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना है आप तो आपको, या फिर लिख लेना है उसका। यहाँ पर और देख सकते हैं आप, यहाँ पर और क्या आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 मार्क्स करेगा, है ना। ए मतलब आपका जो है 6 क्वेश्चन रहेगा, है ना। कितना रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 6 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक क्वेश्चन है भी, 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। आपको दिया जाएगा भाई पढ़ने के लिए, और उसके उससे आपको उसका आंसर मिलाकर देना पड़ेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर भी यहीं पर, पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में बी, इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दूसरा नंबर का है ना, दूसरा नंबर का एक्सट्रैक्ट है, इस प्रकार से देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना। 2 आएंगे यहाँ पर आपके एक्सट्रैक्ट शायद, क्योंकि 6 नंबर का दे रखा है ना। इस प्रकार से देख सकते हो एक्सट्रैक्ट 4 है, इसका आंसर यहीं पर है। एक्सट्रैक्ट 5 देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट 6 आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर ये रहे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम, पोएम से रिलेटेड इस प्रकार से है, ठीक है ना। जैसे कि 4 विच पोएम द अबाउट लाइन्स हैव, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ये किस पोएम की लाइनें हैं ना। चलिए इस प्रकार से देखते हो, पहले में सी आया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अगला, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर, ठीक है, फटाफट से उतारते जाइएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है ना। यहाँ पर देखिए 12 मार्क्स का रहेगा, दो दो नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। देख सकते हो आप यहाँ पर सारे का आंसर है, इसका आंसर जो है प्रश्न बैंक में नहीं किया गया, ठीक है ना।
इनको याद कैसे करना है, आपको इस प्रकार से याद करना है, इनको आपको सबसे पहले मोबाइल में सर्च करना है और इसका हिंदी में करके फिर अच्छे समझ समझ के याद करना है, क्योंकि इतने दिन में आप अगर रटोगे तो फटाक से भूल जाओगे ना, रट करके तो आपको कभी याद करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको इसी प्रकार से ही हिंदी में कन्वर्ट करके समझ करके फिर याद करना चाहिए। इधर से थोड़ा सा मिस्टिंग प्रे हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छे से नोट कर लेना सभी को, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन को मिला करके उसके आंसर को लिख लेना है ना, क्वेश्चन मिला लेना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं भाई, वीडियो जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, ठीक है ना। और कमेंट भी कर दिया करो। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पर आप, इसका आधा आंसर इधर है और दूसरा तीसरा, ठीक है ना, देख सकते हैं आप अच्छे से। ओके चलिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रकार से देख सकते हो ये 8, ठीक है ना। ओके चलिए आगे इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपको यहाँ पर, 4 मार्क्स का आएगा, है ना। दो नंबर, दो क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर के, ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अच्छे से आपको इनको नोट करते जाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पूरे के पूरे जो आंसर है बिल्कुल रियल है, ठीक है ना, एक भी आंसर गलत नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, पर छोटा नहीं हो सकता है, वरना तो आपको इतना का इतना याद करना पड़ेगा। अब याद पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये रहेगा आपका 6 मार्क्स का, ठीक है ना। दो क्वेश्चन आएंगे तीन तीन नंबर के, ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसका आंसर आपको बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, 75 वर्ड्स में, देख सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर थोड़ा छोटा दिया गया है ना, आप चाहे तो इसका आंसर गाइड में से ढूंढ सकते हो, ठीक है ना, मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, इसका थोड़ा और यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से। ये अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिएगा इनको, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका 3 मार्क्स करेगा ना, एक ही क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। 75 वर्ड्स में इसका आंसर देना पड़ेगा आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इतना बड़ा आपको आंसर जो है देना पड़ेगा। Thank you.
अच्छे से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। पूरे के पूरा आपको आंसर जो है ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अच्छे से वीडियो को फिर से चलाकर देखना है, अगर कोई समझ में नहीं आया तो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा उसमें, ठीक है ना। और आपको ये जो प्रश्न बैंक है इसको कोई लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पूरे के पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। आज इंग्लिश का मिला है, ठीक है ना। कल आपको साइंस का, फिर किसी और सब्जेक्ट का कोई का भी दे दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।